अच्छा पैकिंग तो बाद में करेगा। ज्यादा जो अहम किसी लोग एक दिन नहीं होता कि टीचर को मतलब क्या आपने रिस्पेक्ट देनी है या एहतराम देने या इस तरह परमिशन करनी है, ये भी नहीं है कि डेली नहीं होता, लेकिन दिल में जो एहतराम है ना, जो आपने एहतराम करना है, जो इज्जत करनी है, वो सबसे पहले है और वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आज 10th क्लास में एक पढ़ा था और वो जो शायरी है ना उसकी डेप्थ को समझना है, उसकी गहराई को समझना है, इसमें बात क्या है। तो जो है ना आप इसे देखना सीखो, ये भी सीख है। सात तो मुझे इस पर मनाल थोड़ी है, उनका पुस्तक के सवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिकर मन है सबके अनुज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मजा तो तब है किसी खास के जरे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल बिताना पड़ता है उसके होने की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम होता है। क्या बात है, क्या बात है। आग एक ऐसी शमा है जो खुद को जला के आग को रोशन करती है, ठीक है। तो हम असल में हमने अंग्रेजों की जो है ना कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, हमने जो है ना दूसरी कंट्रीज का जो की सकाफत है उसका लिबादा हो गया है उसको, और अपने अपना जो हमारा कल्चर है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको हम भूल चुके हैं। सबसे पहले अगर कोई मुअल्लम आया है, मतलब एक वैसे तो अंबिया कराम अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजे हैं, नबी भेजे हैं, और वो एक मुअल्लम की सूरत में ही आए हैं, वो एक उस्ताद की सूरत में ही आए हैं। तो ये जो पेशा है ये सिर्फ और सिर्फ पेशा नहीं है, मैं ये समझता हूँ ये पेशा नहीं है, ये इबादत है, और ये अल्लाह ताला ने जिन इंसानों के ये जिम्मे लगाया है वो जो है वो काबिल तआज़ीम है और वो इज्जत के काबिल है, ठीक है। वे नबियों का पेशा उन्होंने इख्तियार किया हुआ, तो इसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन उस्तादा की जो है ना तहे दिल से एहतराम करें और उनकी इज्जत करें। छोटी छोटी बातों में बाद का हमें वजन क्या है, तो ये आपकी एज नहीं है, अगर आप इस चीज को समझना शुरू कर दो कि इस बात का वजन कितना है, कि ये जो मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सामने जो खड़ा बंदा है जो हमारा उस्ताद है, बाप है चाहे वो माँ है, उसके दिल पर कितना सदमा पहुंचेगा, ये हम इसको रिलाइज नहीं करते इंसान नहीं है। और जब ये हमारे अंदर ये चीज शामिल हो गई तो वो आपने बात अगर आप अपनी जिंदगी में अरूज चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी ज़हनी तरबियत करो, आप में वो शख्सियत वाज़ेह होनी चाहिए और वो अदब है। अदब करोगे तो आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। एक जो है मुअल्लम है और आपको जो पढ़ा रहा है वो तरबियत भी इसलिए कर रहा है, वो यही उम्मीद रखता है कि आप उसका अदब करेंगे, और जब वो चीजें आपकी नहीं मिलती तो वो जो है ना उसके उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो मतलब कि आपके जिम्मे में वो गुनाह लिखे जाते हैं, ठीक है। आप जो है अभी बच्चे नहीं है, आपको पता है अल्लाह ताला ने आपके
का लिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा फर्ज है कि आप इसके बारे में बताएं कि इसका क्या है, बुरा क्या है, और आपका ये आप अमल करें। ठीक है, ये दिन जो आज का दिन है ये कतन ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन हमने कर लिया तो दूसरे दिन भी हम अपनी गांवों पे लग गए। ये आपकी फितरत में शामिल होना चाहिए, ये आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आप क्लास में कोई टीचर आया, आपने प्लान करने में पहल की, अपने बड़ों को प्लान करने में पहल करनी चाहिए। ठीक है, और कोई बात करनी है तो टीचर के साथ तालमेल खड़े हो जाना चाहिए, उनके अदब में एहतराम। मैं नहीं कहता कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसलिए मैं अपनी खूबियां बताता जाऊं, मैं कहता हूँ कि माँ बाप के साथ भी ऐसा करना, नजर आए ये बच्चा जो है ना एहतसाबे इलम है, और इसका इलम जो है इसके किरदार में झलकता है, और अगर आपके तो आप हैवान है, आप जानवर है, आपको सिर्फ एक हवस है कि हम जो है ना बस पढ़ रहे हैं और हमें नौकरी करनी है, आप सेल्फिश है, ज्यादा इलम भी हैवान बना देता है। इलम वही है जो इंसान में आजदी लेके आए, जो प्यार मोहब्बत लेके आए, अगर आप इन असूलों आपकी जिंदगी भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। इसलिए हमारा ग्लोबल एकेडमी का सबसे पहला जो मिशन ये है कि बच्चे की ज़हनी तरबियत करना, ज़हनी नशोनमा करना। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चा बाहर से गुजरता हुआ अगर उसका कोई साथ नजर आए तो वो जो है ना हम ये चाहेंगे कि वो बच्चा अदब से टीचर के पास आए, उसको सलाम करे। ये है अदब, ये आपको अभी एहसास नहीं होता, और एक दिन आता है कि हर बंदे को एहसास होता है कम और बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये खुदारा आपने आज से प्रैक्टिस करें और नियत बांधे कि हमने अपने असातिज़ा की जो है ना वो एहतराम करना है। अगर कोई देखो उस्ताद को आपका भला सोचता है, ये तो इससे तो कोई दो राय नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उस्ताद कह रहा है कि बच्चे का नुकसान हो रहा है, कोई भी नहीं ना कहता ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर किसी उस्ताद को लग रहा होता है कि ये प्रूव करना चाहिए। देखो बताने के कुछ अलग अलग अंदाज, आपका उसको पॉजिटिव लेना है, आपने मतलब वे में लेना है, और आपने नहीं यस सर मैं आपको ये करके ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपकी जैसे हमारी जो है कि हर मोड़ पर टीचर मिले आपको।